अच्छे लंबे जोड़े स्कोर होना चाहिए। ये चीज सीधा खेलें, बिल्कुल सीधा खेलेंगे और सीधे से छक्का मिलेगा, कोई सीम नहीं, कोई स्विंग नहीं, सीधे बल्ले के साथ खेल दिया इस बार मिडॉन के ऊपर से 6 रन के लिए पहला छक्का ये फाइनल मैच में लगाते हुए वसीम। ये देखिए इस बार बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच और वो फॉलो थ्रू, अच्छी विकेट पे पहुंच देके जीत के बैटिंग देने का न्योता अच्छा नहीं था। कुशल परेरा पूरा यूटिलाइज करते हुए, ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। बॉल ये बचा पाएंगे कि नहीं बचा कर? नहीं बचती, वो गया ग्राउंड से बाहर। यार मोहम्मद, यार वसीम, हर बॉल को नो बॉल समझ के खेला कर। जो सबसे बड़ा हिट मारेगा डीपी वर्ल्ड की तरफ से, और डीपी वर्ल्ड क्या करती है, हर एक बड़े हिट पे एक किट जो है वो भी डोनेट की जा गया था। बताओ ये कहां चली, ये कहां चली है कुकाबरा की गेंद, कोई नहीं रोक पाएगा आज इसको, अपनी अलग ही चाल चलेगी आज। कदमी करके आगे आए और उसके बाद ये ओवर पॉइंट, क्या बात है, क्या टाइमिंग है। ये खिलाड़ी अलग है शोएब अख्तर, ये खिलाड़ी में बहुत दम है, एट विल छक्के मारते हैं। जैसे आपने कहा जी के माध्यम से विश्व भर में वो जुड़ते चले गए, क्योंकि कमाल की एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिला। 200 मिलियन और लोगों तक पहुंचती है, और कैसे पहुंचती है, अगर इस तरह की शॉट लगेंगे तो शायद फिर सारा संसार इस लीग को देखना चाहेगा। ये बल्ला चला, इसी की जरूरत थी, लय भी मिली उसके साथ साथ डिस्टेंस भी, लाजवाब शॉट स्पाइस मैन का। जब अब इस छक्के के साथ एक गेंद धीमे करनी थी और बाहर करनी थी, क्योंकि वो पहले ही विकेट छोड़ के खड़े हैं, पता है प्रेशर है, ये बड़ा शॉट खेलेंगे, उनके पाले में गेंद किया और वो चूके नहीं। 6 रन के लिए खेल दिया सीधा सामने तीर की तरह, स्पिनर्स ने रोका है वापस आके, और दूरी गुप्ता ने किया एक अच्छा शॉट, एक अच्छा शॉट, फास्ट बॉलर पे तो रन बनते हैं यहाँ पे, स्पिनर्स पे नहीं। एक स्तर इस सीजन नजर आया, थ्रू द लाइन चेरा स्टैंड एंड डिलीवर निकोलस पुरन, सोने की ड्रेस पहनी थी अभी भी ने। विजुअल बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरा क्राउड है, और ये पूरा शॉट है फ्लेचर का, ये बाल बाल बचे, लोग भी कैच करना चाहिए था। ये देखिए शॉट क्या खूबसूरत आगे निकले, क्या खूबसूरत बैट लो, कैसी मजेदार रीच। सहवाग के होते हुए मैं सारी चीजें आपको बैटिंग के बारे में बता रहा हूँ, आपका सौभाग्य है कि मैं आपको बताने दे रहा हूँ। कमाल का छक्का है, बनेंगे, मैं कह रहा हूँ कि 180 से भी ज्यादा बनेंगे, पक्षी आने बाकी हैं, अगर ये दोनों खेल गए तो फिर स्कोर 200 भी बन सकता है। पहला 200 होगा 185 अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ, दुबई कैपिटल्स ने इसी मैदान में चेस किया था। फुल टॉस, वो भी किसको, निकोलस पुरन को, कैसे बचेंगे आप, बच ही नहीं सकते। लेंथ मिस करी तो ये बंदे में इतना दम है कि ये बल्ले पे पूरी लगे ना लगे पर जाएंगे ऐसे ही छक्के। ये देखिए शायद ये भी नीचे ही लगी पर बॉल बहुत दूर गई, 110 मीटर का छक्का। फुल टॉस और ओहो, हाथ पे लग के निकल गई रजा के, 188/3। चलिए ये लीजिए, उसमें से 4 यहां आ गए, पूरन है तो संभव है, बिल्कुल संभव है कहीं आउट ना हो जाए। नागिना ये कहां आउट होने वाले, आज 208 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं मॉय अमरेज ने, 50 रनों की साझेदारी मात्र 21 गेंदों में। एक जैसी थी लेकिन फर्क बैंक बैलेंस और रनों का था। 6 रन मिलेंगे बैटिंग के बल्ले से, थोड़ा सा मोमेंटम भी चाहिए 21 में एक टीम के बाद।
इस बार लगाया है ठीक से, ये रिवर्स स्वीप सीधा 6 रन के लिए, शानदार टाइमिंग, गति की बॉल डाल सकते हैं, ये अच्छा शॉट लगाया था, ये सही कनेक्शन था जो कि सीधा जो गेंद गिरी वो टारगेट पे उसको लगाना होगा, बाहर निकले, ये शॉट सही है, इसकी जरूरत थी और इस बार सही दिशा में भी खेला है टॉम बैंटन ने, कदमों का इस्तेमाल किया और उसका फायदा उठाया, कदमों का इस्तेमाल खेल दिया बिल्कुल सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से, ये धीरे भी किया था गेंद, बल्ले के बीचों बीच गेंद, 85 मीटर का ये छक्का बैंटन का, फील्डर है मौजूद लेकिन गैप मिल गया यहां पे, sky247.net superfour ये की बदौलत खेल रही है, ऑफ कैच पकड़ा तो गया है लेकिन बाउंड्री के उस पार पकड़ा गया है कैच, सैम बिलिंग्स ने देखिए मिडिल के ऊपर बाउंड्री के बाहर, फील्डर था जरूर लेकिन बड़े आराम से उसके ऊपर से उस पार और कैच बहुत बढ़िया पकड़ा, काफी फाइन, और लेकिन इस बार जो कवर पॉइंट कवर की तरफ फील्डर था उसके ऊपर से लगाया 4 रन, ऐसे बहुत सारे चौके चाहिए अगर दुबई कैपिटल का मुकाबला जीतना है, प्रकाश ये टूर्नामेंट घटा है, फिर से रिवर्स हवा में इस बार, और इस बार छक्का मिलेगा, और कमाल की टाइमिंग यहाँ पर सैम बिलिंग्स की, ये कप्तान है, ये अभी भी लड़ाई लड़ रहा है, मारा है देखिए किस तरफ, मिड विकेट की तरफ ये गया है शॉट, वाह भाई क्रिकेट बहुत बदल गई, सही समय पे निकल लिया हम खेल खुल के, नहीं तो ऐसी बल्लेबाजी होगी तो समझ नहीं आएगा बॉल डालें किस तरफ, कमाल का शॉट था, 6 रन इस बार तो अच्छा कनेक्शन है और ये छक्का देकर जाएगा आपको, ये होता है इसके पहले वाली गेंद पर कैच छूटा मोहम्मद वसीम का और उसके बाद वाली गेंद पर उसी दिशा में 6 रन, चौका हुआ और उसकी अगली गेंद पे ये छक्का, बहुत बार हमने देखा अक्सर ऐसे होते हुए, तो यहाँ से साबा भाई अगर इमेजिन करिए ये ठीक ठाक बल्लेबाजी कर जाए तो आप कहोगे कि भाई यहाँ तो कोई अचंबा भी नहीं जिता सकता, अगर ऐसे चौके हर गेंद पर लगेगा तब बन सकते हैं शायद बात, पर तब भी नहीं लगता, बात के मुकाबले में आके सबसे मुश्किल ओवर डालते थे ब्रावो, चलिए गेंद एक बाहर तो गई लेकिन बहुत देर कर दी, मेहरबान तुमने आते आते 25 से 28 की हो गई है रिक्वायर्ड रन रेट जी, हम पिछली बार जब हमारा स्ट्रीट था आप यही कह रहे थे कि आप बात तो कर रहे हैं 13-14 रन हर ओवर में बनाते रहे लेकिन देखिएगा आखिरी के ओवरों में 25-26 स्टाफ में टॉस और गेंद बाउंड्री के उस पार, हो सकती थी मतलब तो दे भी देते तो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि वो मैच बहुत क्लोज था, वो नो बॉल दे देते तो शायद जीत जाती थी।